चाहिए, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें चाहिए होता है और ड्यूरेबल है, पायदार है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक टेप जो है इसकी जो विड्थ है वो 0.1 इंच से लेकर 1 इंच तक हो सकती है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब ये कि ज़्यादा देर तक चलती है, यानी और दूसरी बात ये कि ये चीप है, इस पर ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और कास्ट इस पर कम आता है। नॉर्मली ये जो जो टेप है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है और इसके सरफेस पे मेटालिक ऑक्साइड लगा हुआ होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें चेंजेस हो सकती हैं और यही चेंज कुछ 1 और 0 को स्टोर कर लेते हैं। सम टेप डिवाइस कैन स्टोर अप टू 6,250 करेक्टर पर इंच। 1 इंच के बराबर का जो टेप का हिस्सा होता है उस पर 6,250 करेक्टर स्टोर हो सकते हैं। इससे पहले इस मैग्नेटिक टेप से पहले भी कुछ मेमोरी डिवाइस यूज हुआ करते थे जो हमने अभी इसमें डिस्कस नहीं किए, वो पंच कार्ड कहलाते थे। पंच कार्ड कार्ड की तरह प्लास्टिक कार्ड हुआ होता था और उस पर कंप्यूटर जो है छोटे छोटे सुराख बने लेता था और हर सुराख का अपना एक मतलब हुआ करता था। तो कहते हैं कि अगर 10 इंच का रील हो यानी टेप हो और उस पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो तकरीबन 500,000 पंच कार्ड की जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो 10 इंच के रील के जो टेप होता है तकरीबन उस पर वो स्टोर हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैग्नेटिक टेप पे स्टोर हो जाती है। इस तरह की वो एक डिवाइस हुआ करती थी पुराने ज़माने में, आजकल ये नई यूज़ हो रही है। और यहाँ पे एक टेप हुआ करता था जो एक जाने से रिवाइंड होकर दूसरी जाने पे वो वाइंड हुआ करता था और यहाँ पे उसका एक हेडर लगा होता था जो उसके डेटा को स्टोर करके देता था, और यही वो डिवाइस है जो उस ज़माने में यूज़ हुआ करते थे। इसके बाद एक दूसरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम डिस्किट कहते हैं। इस जो हम टेप को पढ़ चुके हैं वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डिवाइस कहलाते हैं और यहाँ पे जो डिस्किट है इसको डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और फ्लेक्सिबल है हमारे पास, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह हम इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। 1972 में सबसे पहले IBM एक कंपनी है जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को या डिवाइस को बनाती है या पूरी के पूरे कंप्यूटर भी बनाती है। इन्होंने 1972 में इस डिस्किट को या फ्लॉपी डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था। और फ्लॉपी डिस्क जो हमारे पास है, फ्लॉपी डिस्क इज मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है और इसके भी मैग्नेटिक ऑक्साइड इसके ऊपर कोट किया हुआ होता है यानी लगा हुआ होता है। और द प्लास्टिक डिस्क इज हाउस्ड इन अ स्क्वायर हार्ड प्रोटेक्टेड जैकेट, और इस प्लास्टिक के ऊपर एक प्लास्टिक का जैकेट हुआ होता है, सख्त किस्म का जैकेट होता है जो इसकी हिफाजत करता है। इसकी मुख्तलिफ साइज़ हुआ करती थी, आजकल ये भी नहीं यूज़ हो रहे हैं, 3.5 इंच, 5.25 इंच डायमीटर के साथ ये इस्तेमाल होते थे किसी ज़माने में, आजकल ये भी नहीं यूज़ होते। और इनमें बाद ऐसे होते थे जो डबल डेंसिटी वर्जन कहलाती थी। डबल डेंसिटी का मतलब ये है कि डिस्क के दोनों सर्फेस पे कंप्यूटर डेटा स्टोर किया करता था। जैसे आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आ रही है, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्लॉपी डिस्क हैं और यहाँ पे हेडर हुआ करता था। हेडर यहाँ पे डेटा को रीड राइट करता था और यहाँ पे एक स्पिनर लगा होता था जो इसको यू रोटेट करता था। तो ये जो इसके अंदर जो ब्लैक किस्म की आपको नज़र आ रही है ये वही डिस्क है, और ये बाहर का जो डार्क ब्लैक है ये वही प्लास्टिक जैकेट है, और इसके ऊपर कंप्यूटर ड्राइव यहाँ पे एक हेड रखता था और वो आगे पीछे यू मूव किया करता था और ये यू इसके अंदर ये रोटेट होती थी और यू कंप्यूटर इस पर रीड राइट का प्रोसेस किया करता था। इस तरह की भी प्लास्टिक वो ड्राइव डिस्किट हुआ करते थे। और एक यहाँ पे एक यूरी है, इसके नीचे जो जो हमारे पास है वो मैग्नेटिक डिस्क है
और कंप्यूटर उस पर डेटा स्टोर किया करता था। ये मुख्तलिफ तीन किस्म की जो फ्लॉपी डिस्क के मुख्तलिफ साइज़ हैं ये किसी ज़माने में यूज़ हुआ करती थी, आजकल ये यूज़ नहीं होता। अच्छा जी, आजकल जो यूज़ होने वाले डिवाइस हैं उसका नाम है हार्ड डिस्क। A hard disk is a stack of one or more metal plates that spin on one spindle. ये जो है स्टिक कहते हैं, जैसे बोझ के एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह का जो होता है इसको स्टिक कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा मैग्नेटिक प्लेट, मेटल प्लेट होते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लास्टिक प्लेट नहीं होते बल्कि मेटल शीशे या तांबे से बने हुए मेटल के जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं। और इसमें ये है कि एक दूसरे से वो अलग भी होते हैं। जो हमारे पास डिस्केट होते हैं उसके लिए कंप्यूटर के सीपीयू में अलग एक जगह हुआ करती थी, वहाँ पे उस डिस्केट को डाल के उसके ऊपर कंप्यूटर अपना वो हेड रख लेता था। तो जहाँ पे कंप्यूटर के डिस्क को, यानी डिस्केट को डाला जाता था, फ्लॉपी डिस्क को, उसको फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता था। लेकिन हार्ड डिस्क में कहते हैं कि अनलाइक डिस्क, इन डिस्क की तरह नहीं बल्कि वेयर द डिस्क एंड ड्राइव आर सेपरेट, जहाँ पे डिस्क और ड्राइव सेपरेट अलग अलग होते थे, फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हार्ड डिस्क में हार्ड जो डिस्क है हमारे पास और ड्राइव, ये दोनों एक ही साथ सिंबल होते हैं, यानी एक यूनिट कहलाता है। इसलिए इस हार्ड डिस्क को कभी कभी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ये नीचे जो ड्राइव है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि बेटर हार्ड डिस्क एंड हार्ड ड्राइव यूज इंटरचेंजेबली। कभी कभी हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहते हैं और हार्ड ड्राइव को हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। और इसी हार्ड डिस्क में इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लेट्स लगे हुए होते हैं, उन प्लेट्स, वो प्लेट्स रोटेट होते हैं और उन प्लेट्स के ऊपर जो हेड हुआ करता है वो रीड ड्राइव पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इनकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं, बात ऐसी होती है जिनकी स्पीड 3600 RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट होती है, वो 3600 रिवोल्यूशन पर मिनट परफॉर्म करती है, और बाद हमारे पास जो है वो 7200 RPM की होती है। ये आजकल जो नए आने वाले हैं वो 7200 के साथ हैं। उनकी कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है, 40 GB से लेकर, पता नहीं 40 GB भी आजकल नापेद हो गए होंगे, क्योंकि आजकल 300 और 500 GB के हार्ड डिस्क हैं नॉर्मली, और अब तो मैक्सिमम 2 TB तक मार्केट में अवेलेबल है। 2 TB नॉर्मली आपको मार्केट में मिल सकती है या इससे भी ज़्यादा आजकल शायद आई हुई होंगी। तो इसकी रेंज मुख्तलिफ है कैपेसिटी के अतबार से, इसके अतबार से, इस कैपेसिटी के अतबार से इनकी प्राइस भी मुख्तलिफ होती है। इसकी शक्ल आप कुछ नहीं देख सकते, ये हार्ड डिस्क है, इसके ये जो बाहर का वो जो कवर है वो आपको नज़र आ रहा है, और इसके बाहर के कवर को हटा दिया जाए तो इसके अंदर इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के प्लेट्स लगे हुए हैं। और ये जो रीड राइट हेड है ये इसके साथ अटैच होता है और ये आगे पीछे नहीं कर सकता है। और ये जो प्लेट आपको नज़र आ रहा है वो रोटेट कर रहा होता है और ये हेड इसके रीड राइट का ऑपरेशन कर पा रहा होता है, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में आपको लागू करते नज़र आ रहा है। ऑप्टिकल डिस्क, ये भी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी डिवाइस की एक किस्म है ऑप्टिकल डिस्क। और यहाँ पे हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो थ्रू मैग्नेट नहीं होता बल्कि थ्रू लाइट होता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ रिमूवेबल डिस्क इन विच द डेटा इज रिटन एंड रीड थ्रू अ यूज ऑफ लेजर बीम। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रीड राइट की जाती है तो वो लेज़र बीम के ज़रिए रीड राइट की जाती है, ना कि मैग्नेट के ज़रिए या मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए, मैग्नेटिज्म के ज़रिए नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो डेटा स्टोर होती है या रीड होती है तो वो लेज़र बीम के ज़रिए होती है। इन ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी हाई पावर लेज़र बीम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डेटा बाई बर्निंग टाइनी पिक्स इनटू द सरफेस ऑफ द हार्ड प्लास्टिक डिस्क। ये जो ऑप्टिकल डिस्क होता है ये भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है और इसके सरफेस पे जो मटेरियल होता है
वो हाई पावर लेजर बीम से उसको बर्न किया जाता है, यानी जला दिया जाता है, फ्यूज अप किया जाता है। तो जहाँ जहाँ इसको फ्यूज किया जाता है, कुछ छोटे छोटे से बलवान वाली सतह पे जो जो थोड़ी क्या कहते हैं, जिसको हम पश्तों में कहते हैं जो घड़ा होता है उर्दू में, सॉरी, तो छोटे छोटे उसमें होते हैं पार्ट्स होते हैं जिसको लेज़र बीम के ज़रिए फ्यूज़ अप किया जाता है, यानी बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है। तो जो जो जगह ये बर्न हो जाती है वो वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन यानी जीरो या वन को स्टोर करती है, जो अनबर्न होती है, जो स्मूथ एरिया होती है वो वन को रिप्रेजेंट करती है। तो जो जगह बर्न कर दी जाती है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करती है, जो अनबर्न होती है यानी जो फ्लैट सर्फिस होती है, स्मूथ एरिया होता है, वो वन को रिप्रेजेंट करता है। टू रीड द डेटा अ लो पावर लेजर लाइट स्कैन्स द डिस्क सर्फिस, वो डिस्क सर्फिस को स्कैन करती है लो पावर बीम के साथ, लेज़र बीम के साथ। तो जहाँ जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ एरिया की होती है तो वो वन कंसिडर किया जाता है, और अगर रिफ्लेक्शन से बर्न एरिया स्कैन हो जाता है तो उसको ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। और यूँ देखा इसके रीड लाइट होती है थ्रू लेज़र लाइट। अच्छा, इसकी भी किस्में हैं, एक तो हम कहते हैं सी डी रोम डिस्क, और एक हमारे पास इरेजिबल सी डी रोम है सी डी आर, और एक हमारे पास है सी डी आर डब्ल्यू यानी रीड राइट, और अगर एक हमारे पास है डी वी डी वो जो रीड राइट दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सी डी रोम, सी डी रोम स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन होल्ड प्री रिकॉर्डेड टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड साउंड। इस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ये रीड ओनली होते हैं, इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा अगर इसके कंटेंट्स रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसके बाद में इरेज नहीं किया जा सकता। अ सी डी रोम कैन होल्ड अप टू 700 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा, 700 MB तक का डेटा ये रिकॉर्ड कर सकता है। और कहते हैं जो वर्क दिस वर्क आउट अबाउट हाउ मच इट इज 269,000 पेजेस टेक्स्ट ये स्टोर कर सकता है, या 7,500 फोटोज को ये स्टोर कर सकता है, या 20 घंटे की स्पीच को, या 77 मिनट्स की वीडियो को ये स्टोर कर सकता है। तो ह्यूज अमाउंट है इसका, और ये आसानी से यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। बुक्स हो, मैगजीन हो, एजुकेशन ट्रेनिंग हो, म्यूजिक हो, फिल्म हो, इस तरह की तमाम चीज़, या सॉफ्टवेयर हो, हमारे पास ये इजीली सीरीज स्टोर किए जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है सी डी आर, सी डी आर स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इस पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज एन सी डी फॉर्मेट दैट अलाउज यूजर टू यूज पेरिफेरल सी डी रिकॉर्डेबल to write data only once onto a special manufactured disk and can then be read by any compatible CD-ROM drive. ये जो CD-ROM है मेरे पास, इसके डेटा मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इसके डेटा स्टोर हो सकते हैं, और फिर CD-ROM जो हमारे पास जो CD-ROM ड्राइव है उसके ज़रिए यहाँ से डेटा एक्सेस की जा सकती है यानी रीड की जा सकती है। एक हमारे पास है RW का मतलब रीड राइटेबल, तो इसमें डेटा रीड भी हो सकती है और इसके डेटा राइट भी हो सकती है। इट इज़ एन इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क, इसका मतलब ये है कि डेटा इससे इरेज की जा सकती है। इट अलाउज यूजर टू रिकॉर्ड एंड इरेज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज एनी अदर वे, ये बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा को हमने इरेज कर दिया, वॉशअप कर दिया, तो को हम दोबारा इस पर डेटा राइट कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल किस्म का ड्राइव यूज होता है, जो नॉर्मली सी डी रोम ही की तरह ड्राइव की तरह होता है,
और उसके हेड में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इसमें डेटा को राइट भी कर सकते हैं और बार बार उसको इरेज किया जा सकता है और अगेन उसके डेटा को रीड किया जा सकता है, राइट कर दिया जा सकता है। एक हमारे पास है डीवीडी, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल कहेंगे वो सीन जो बहुत ज़्यादा डेटा को, बहुत ही हीज अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है। डीवीडी कैन स्टोर मच मोर डेटा देन स्टैंडर्ड सीरीज। स्टैंडर्ड सीरीज के मुकाबले में डीवीडी बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 4.7 GB पर साइड होती है। बाज ऐसे होते हैं जो डबल साइडेड होते हैं तो उसको तकरीबन 17 GB स्टोर हो सकते हैं, और जो सिंगल होते हैं वो 4.7 GB से लेकर 6-7 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जो डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस हमारे पास वो काफ़ी ख़त्म होता है, तो हमने यहाँ पे मेमोरी डिवाइस के मुख्तलिफ टाइप्स पर लिए, जो कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पे। मेन मेमोरी तो ऑलरेडी किसी दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने उसको डिस्कस किया उसके टाइप्स, उसके टाइप्स के साथ। और फिर हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस किया इन डिटेल। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो नॉर्मली CPU में कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे नहीं लगे हुए होते हैं, बल्कि बाहर लगे हुए होते हैं, और नॉर्मली ये बहुत ही ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है, और ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहलाती है, क्योंकि जो डेटा है इसको हम स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर करते हैं। इसके फिर हमने दो तरह के मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस किए। मैग्नेटिक टेप थे हमारे पास, मैग्नेटिक टेप को सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, और हार्ड डिस्क जो हमारे पास थे या कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमारे पास थे वो रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस भी कहलाते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि सिक्वेंशियल डेटा डिवाइस में वहाँ पे डेटा को इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस स्टोर किया जाता है, तो जो रीड राइट मैकेनिज्म होता है वो सीक्वेंस के फॉर्म में हुआ होता है। अगर मिसाल के तौर पे हेड करंटली डेटा नंबर 1 पे पड़ा हुआ है या उसके नीचे है, तो अगर हमने डेटा नंबर 10 को सपोज या रिकॉर्ड नंबर 10 को एक्सेस करना हो, तो सबसे पहले ये सिक्वेंशली रिकॉर्ड नंबर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 यू इन से होते हुए रिकॉर्ड नंबर 10 पे जाएगा और वहाँ से उसको एक्सेस करेगा। तो सिक्वेंशली ये 1 by 1 रिकॉर्ड को एक्सेस करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या सिक्वेंशियल डिवाइसेस। और जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर या हेड जो है, जो रीड राइट हेड है, वो एक डायरेक्टली वहाँ पे उसको एक्सेस करता है। डायरेक्टली उसको ऐसे एक्सेस करता है कि इसके पास एक टेबल बना हुआ होता है, और उस टेबल के मुताबिक जो लोकेशन होती है हार्ड डिस्क में, डायरेक्टली उस लोकेशन को एक्सेस करता है इसी टेबल से। ये टेबल ऐसे ही होता है जैसे किताब के स्टार्ट में एक इंडेक्स होता है कि फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ पेज नंबर पे है, फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ पेज नंबर पे है, फ़लाँ टॉपिक जो। तो अगर मिसाल के तौर पर यूज़र को एक टॉपिक चाहिए होता है तो वो इंडेक्स में देख लेता है, और उस टेबल में जो पेज नंबर होता है स्ट्रेट अवे जाके उस पेज को ओपन कर लेता है और अपने टॉपिक को वहाँ पे पा लेता है। सेम लाइक दिस हार्ड डिस्क में भी डेटा इसी तरह स्टोर होती है कि ये एक टेबल बना लेता है जिसको फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं, टेप के नाम से फाइल एलोकेशन टेबल। और इसी टेबल में तमाम डिटेल होती है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे है। तो अगर मिसाल के तौर पे कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए होती है तो ये इस टेबल को स्कैन कर लेता है और इसी टेबल से डायरेक्टली उस लोकेशन को एक्सेस कर लेता है। डेट वाइज इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी डिवाइसेस। तो आपके जो कोर्स कंटेंट में है वहाँ पे लिखा गया है कैसे सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन से थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दी और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक में, लिहाजा यहाँ पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।